हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको चॉकलेट केक, बहुत जल्दी बनने वाला चॉकलेट केक बता रही हूँ, जो मैं बिस्किट से बनाऊंगी। और मैंने पहले भी हाइड एंड सीक की ब्राउनी माइक्रोवेव में कैसे बनाई जाए वो डाला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप दोनों चीजें ट्राई करना, बहुत ही यम्मी लगेगा। आप देखिए, ये हाइड एंड सीक का पैकेट है, ये बॉन का है, तो मैं डिफरेंट दोनों बिस्किट लिए हैं, आप दोनों एक से भी ले सकते हैं। ये 120 ग्राम का है और ये भी 120 ग्राम का है। इनो है, आप रेगुलर इनो भी ले सकते हैं, और 1 कप मिल्क है। इतनी ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम आपको बनाना बताएंगे। और सबसे पहले मैंने केक टिन को ऐसे, जो बटर पेपर है उसको ऑयल लगा लिया है उसके नीचे भी, और ऐसे इसको फिक्स कर लिया है। तो ये तैयारी आपको सबसे पहले करनी है। तो सबसे पहले हम बिस्किट का पैकेट खोलते हैं, तो हम बॉल में इसको निकाल लेंगे और इनको ऐसे पीसेस कर लेंगे, छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लेंगे, ताकि मिक्सी में पीसना हमें आसान हो। और ये भी देखिए क्रीम वाले हैं, अदरवाइज मैं प्लेन यूज करती हूँ, बट आज इसी से ट्राई करते हैं। अगर इसके बाद भी आपको शुगर कम ज़्यादा लगता है, मतलब कम लगता है, तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ये सफिशियंट है। उसमें फिर आप पीसी चीनी 1 टेबल स्पून मिला सकते हैं। इस टाइप से हम इसके सारे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये मैंने एक पैन ले लिया है, आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, आप देखिए इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है। और इसके ऊपर हम स्टैंड रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे, इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे, कवर करके प्री हीट होने देंगे। अब हम इसमें ये जो पीसेस हैं ये डाल देंगे। मिक्सी को ध्यान से चलाइएगा, रुक रुक कर चलाइए, नहीं तो ये रुक जाती है, मतलब बंद हो सकती है, जाम हो सकती है। तो ये देखिए इस टाइप से पिस गया है, और ये थोड़ा क्रीम होने की वजह से हल्का सा गीला है, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पिस गया है। ऐसा हमें सारा पाउडर करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्सचर बन गया है, पाउडर हो गया है बिल्कुल। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें ये गुनगुना लेना है, वार्म लेना है, बहुत गर्म और बहुत चिल्ड नहीं लेना है। इसको हम इस टाइप से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध और डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, आई थिंक अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है ये पेस्ट। ये देखिए इस टाइप से हमारा ये मिक्सचर बन जाना चाहिए। अब हम लेवल में 1 टीस्पून इनो डालेंगे, और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब ही हम दूध डालेंगे और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको इसमें केक टिन में डाल देंगे। इसको हम एक बार ऐसे टैप करेंगे और रखेंगे। अब हम इसका लिड हटाएंगे और इसको ध्यान से रखेंगे, ताकि जो आपका हाथ है वो जले ना। ऑलरेडी ये बहुत गर्म है, इसको कवर कर देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। 15 से 20 मिनट में हम इसको पकाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी नहीं बना है, अभी हमें और थोड़ी देर रखना है। थर्टी मिनट्स हो गए हैं और ये हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और ठंडा करते हैं। ठंडा होने पर ही हम इसको बाहर निकालेंगे। अब हम इसकी साइड्स को थोड़ा लूज कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद ही आपको इसको निकालना है, ताकि वो इजीली निकल जाए। और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे।
ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारा केक बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी जाली पड़ी है। इन छुट्टियों में आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। और आप इसको सर्व किस टाइप से करेंगे तो मैं आपको इसको सर्व करना बताती हूँ। हम इसको ऐसे बीच में से कट कर लेंगे। और भी यम्मी लगने वाला है ये। ध्यान से कट करेंगे क्योंकि काफी सॉफ्ट बना है ये केक। और इस टाइप से एक लेयर हम इसकी ऐसे निकाल लेंगे। देखिए कितनी जाली पड़ी हुई है, कितना अच्छा बना है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये है न्यूटिला, सभी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, जिसको हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। ये न्यूटिला को हमने निकाल लिया है और इसको अब हम ऐसे स्प्रेड करेंगे। बहुत यमी लगेगा, बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसको। ये देखिए, बस थोड़ा सा पेशेंस आपको इसको बेक करने में रखना है कि 20 मिनट्स के बाद आप हल्के से चेक करते रहिए। इसको इवनली हम स्प्रेड करेंगे। इवनली स्प्रेड कर दिया है हमने ताकि हर बाइट में जो है न्यूटिला आए। ये देखिए बहुत स्पॉन्जी है, बिल्कुल टूटने का डर है इसका। बहुत ध्यान से आप करिए। और फिर इसके ऊपर हम ये जो सिरप है, चॉकलेट सिरप, इसको डालेंगे। ऑप्शनल है, आप चाहें तो सादा भी खा सकते हैं, बट सभी बहुत पसंद करेंगे। और इसको हम इस टाइप से कवर करेंगे। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बहुत जल्दी बनने वाला केक है। तो देखिए हमारा ये यमी सा लगने वाला केक बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसको चॉको चिप से डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो चॉकलेट ग्रेट करके डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। और मैं यहां आपको कट करके दिखाती हूं। तो बहुत ही आपको मजा आने वाला है खाने के बाद। आप देखिए, ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक बनकर तैयार है। बहुत अच्छी जाली पड़ी है ये देखिए, और बहुत यमी लगने वाला है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Thank you.